झारखंड में फर्जीवाड़ा करने वालों को पुलिस हाथ लगाने से बच रही है। आज होमगार्ड अभ्यर्थी धनबाद एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने धनबाद के एसएसपी अखिलेश वी वॉरियर से अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। अभ्यर्थियों ने धनबाद एसएसपी से आग्रह किया है कि तीनों आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। हम बता दें कि कोयलांचल धनबाद में होमगार्ड बहाली के दौरान जमकर फर्जीवाड़ा हुआ था। कई अभ्यर्थियों से नौकरी के नाम पर ठगी भी की गई थी, जिसके बाद यह बहाली रोक दी गई। पैसा लेने के बावजूद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। उसके बाद धनबाद थाना में अभ्यर्थियों के आवेदन पर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 लाख रुपये दिए थे, इसमें केस हम फर्जीवाड़ा निकल गया था, इसमें धर्मेंद्र कुमार सिंह के नाम पर केस किए हैं और इसमें जो भी अफसर है राजेश प्रसाद मेहता और कुमार गौरव और आपका मुरारी पांडे, ये सब भी शामिल है उसमें। लेकिन 3 लाख रुपया बस स्टैंड होमगार्ड लड़का के लिए, होमगार्ड का इंस्पेक्टर बोल रहा था एक नंबर कम हो गया है इसके लिए, साहब लोग पैसा मांग रहा था। होमगार्ड वाली में दिए थे, होमगार्ड वाले में किसी का ना, इसमें 20-30 लड़का फंसा हुआ है। कम से कम 55-60 लाख रुपया का ये हुआ घुसखोरी में आया हुआ संगम, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग सिटी एसपी साहब से केस किए थे, धर्मेंद्र सिंह के नाम में केस किए थे और गवाह में उनका जो अफसर था जिसका हम लोग को भेंट करवाया था हमसे, ये सब का भी नाम दिए गवाह में दिए, धर्मेंद्र सिंह भी इसमें गवाह दिया हुआ है, सब कबूल नमा किया। अभी तक उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। क्या लगता है इस मामले में बड़े अधिकारी भी शामिल है? बड़े अधिकारी तो शामिल ही है, तीनों जो बड़े अधिकारी है वही लोग के थ्रू पैसा लिया गया। हम लोग गरीब आदमी है, अभी इतना दिन हो गया कुछ नहीं करवाई है। मामला का जांच हुआ? वही जांच हो रहा है, लिख रहा है चार्जशीट में कि अनुसंधान जारी है। करुणा ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आवेदन में आदेश प्रसाद मेहता, गौरव कुमार तथा कृष्ण मुरारी पांडे को अभियुक्त बनाया गया था और गिरफ्तारी की मांग की गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। होमगार्ड मुंशी धर्मेंद्र के द्वारा पैसा लेते हुए वो ऑडियो वायरल हुआ था। मुंशी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अन्य आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। होमगार्ड मुंशी धर्मेंद्र अभी भी जेल में है, लेकिन मुंशी के जरिए होमगार्ड के 3 अधिकारी आरोपों के घेरे में हैं, जिसके कारण जांच की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।